LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। आप लोग देख सकते हैं सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने टच स्क्रीन पैटर्न लॉक मैंने बनाया है, जो कि हम लोग पैटर्न करके जो पैटर्न मैंने दे दिया है वही पैटर्न से दरवाजा ओपन होगा। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जो कि आयर एलईडी और आयर सेंडर को मैंने बीच में लगाया था, तो अभी जो है ग्लास पर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसके पीछे कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ग्लास। तो इसके जरिए हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर के जरिए ये कंट्रोल होता है, पिछला सर्किट के जैसे ये काम करते हैं, लेकिन सिर्फ इस पर सिर्फ पैटर्न जो है वो अलग तरीका है। तो अभी आप लोगों को इसको डेमो करके दिखाते हैं। तो अभी देखिए लाइट जो है वो ग्लो हो गया है। अभी जो पैटर्न मैंने दे दिया है लॉक के लिए वही इस पर काम करेगा। तो देखिए दूसरा मैं पैटर्न दे रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी दे देंगे कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ वही पैटर्न हम लोगों को देना पड़ेगा। तो इस तरह ये काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूं, दूसरा पैटर्न आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं यहां पे एम दे दूंगा तो काम नहीं करेगा, उल्टा डब्ल्यू देंगे तो काम करेगा, क्योंकि मेरा पैटर्न डब्ल्यू है। तो आप पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करके ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये जो मैंने स्क्रीन इस पर डाल दिया है, इस पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले मैंने बनाया है, जो कि एक पेपर के अंदर मैंने इसको फिट किया है। ठीक है, तो सभी ग्लास पे हमने अलग अलग 7 सेगमेंट का डिस्प्ले इसमें ड्रॉ किया है। तो आप इस पर पावर देते हैं, देने के बाद दिखाएगा 1 2 3 4 करके ये एक एक करके ये उठेगा इसमें। तो अभी पावर देते हैं आर्डिनो पे। तो अभी देखिए 0 आ गया है, अभी 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो इस पर जो है ये एक्चुअली एक पेपर का है, हम लोग जो डिस्प्ले यूज़ करते हैं वो तो सॉलिड होता है, लेकिन ये पेपर है, ये मूविंग कर सकते हैं। ये एक डेमो है जो कि मैंने घर पे बनाया है, इसको और भी मॉडिफाई करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसको मॉडिफाई करते हैं। तो और एक वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इसको मॉडिफाई करके और भी स्मूथ बना देंगे। ये है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि किस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, और मैंने दिखाया आप लोगों को किस प्रकार से हम लोग इस डिस्प्ले को दिखा सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, ये जो डिस्प्ले है
ये डिस्प्ले नाइट पे कितने अच्छी तरह दिखाई देते हैं। तो मैंने इसको चेक किया है, थोड़े बहुत अच्छे दिखाई देता है। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो इको सभी लाइट बंद करो, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये अभी नाइट हो गया है, मतलब रात, मैंने सभी लाइट बंद कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़े बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं, ये जो मॉनिटर पे जो अभी चल रहा है ये। अभी मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोग नाइट पे भी इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका जो थीम है, थीम को हम लोग चेंज करके इसको दिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थीम है, थीम को थोड़ा ब्राइटनेस करना पड़ेगा, ब्लू कलर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई लाइट नहीं है, इसलिए ये अच्छी तरह नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये जो ब्लू कलर है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग इसको ब्लू करना पड़ता है थीम को। तो अभी जो ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये नाइट पे भी हम लोग चला सकते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, फिर से मैं रोशनी में आप लोगों को दिखा देते हैं। इको सभी लाइट ऑन करो। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये दिन में भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। तो ये जो डिस्प्ले है इसको हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, आप पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार से हमने बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।